One of the top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. आप मेरी पृष्ठभूमि उठा के देखिए कि अन्ना के पास सेकंड अन्ना मैं हूं जी। मेरे पास ना कोई बैंक बैलेंस है, मैं आपको बता दूं अपनी। अब आप जब मैं क्या आपको बताऊं, मैं 50 गज के घर में रहता हूं, 40 गज के घर में, सिर्फ एक कमरे के अंदर मेरे तीन बेटे हैं, मैं और मेरी वाइफ है। मेरी कोई चल और अचल कोई संपत्ति नहीं, सीधा दरवेश हूं। जो अन्ना कहते हैं ना, अन्ना के बाद तो 62,000 रुपए भी, मैं तो 62,000 रुपए का मकरूज हूं। मुझे तो जिस वक्त ये इनके खिलाफ मेरे 20 अक्टूबर को टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पे छपा कि मुफ्ती शमून काजमी जो है वो अनुमानित खबर थी, मेरे पास से देखिए उठा के 20 अक्टूबर का आप उसमें आर्क बिशप और मेरा नाम छपा है, फ्रंट पे था। मैं उस वक्त छोड़ के नहीं गया, मैंने ये कहा कि मैं, और आपको बता दूं कि मुझे, मैं जबकि मेरे पास कोई धन दौलत नहीं है, मगर मेरे पास जो संतुष्टि है, जो उस मालिक का आशीर्वाद मेरे साथ है, और मेरे दोस्तों की जो दुआएं, जो उनकी हमदर्दियां मेरे साथ है, उसने मुझे भटकने नहीं दिया। मैं आपको बता दूं कि मैंने 62,475 रुपए का कर्ज लिया, थोड़ी देर हुई चुका है, 31,500 जमा कर चुका था। एक पत्रकार एक अखबार में कांग्रेस के एक MLC हैं, उनका वर्जन छपा उसमें, नसीब पठान का। उस वक्त जब परिस्थितियों में से वो निकलना चाहते हैं, वो ऐसी परिस्थितियों में इस वक्त हैं कि मुझे भी बहुत उन्हें देख करके बड़ा एहसास होता है। अन्ना महाराष्ट्र में बीमार कम हुए थे, डिप्रेशन में ज़्यादा थे, इसलिए कि हमारे साथियों की महत्वाकांक्षा की बिना पे हमारा जो आंदोलन था मुंबई का, वो फेल हुआ, असफल हुआ। और उसके बाद अन्ना जो है वो, अन्ना को रात में आपने सुना होगा कि जब यहाँ रामलीला ग्राउंड पे हमारा अनशन चल रहा था, तो मनीष सिसोदिया मंच से बोल रहे थे, सबने सुना होगा, रिकॉर्ड भी होगा, कि अन्ना रात को अनशन नहीं तोड़ते, सूर्यास्त होने के बाद अन्ना अनशन नहीं तोड़ते और सुबह 10 बजे अपना अनशन समाप्त करेंगे। ये अगस्त की बात है। आखिर वो कौन सी परिस्थितियाँ थी कि रात को सोते हुए अन्ना को उठाया गया, अन्ना को रात को सोते हुए उठाया गया और उनका अनशन 8 बजे समाप्त कराया गया मुंबई के अंदर। वही मैं बताना चाह रहा हूँ, नहीं बीमार इतने नहीं थे ये, दरअसल मेरे आधे घंटे मेरे अपने मोबाइल से मैंने स्वयं अन्ना की और बाबा रामदेव की बात कराई, और अन्ना बाबा रामदेव अगले दिन जाने वाले थे। वो क्रेडिट अन्ना को मिलने जा रहा, बाबा को मिल जाता तो अरविंद ने स्वयं ये कहा, अरे बाबा रामदेव आ गया तो वो ये भीड़ भाड़ आ जाएगी, तो ये क्रेडिट ले जाएंगे। और भीड़ तो अगले दिन आने, वो आंदोलन मैं उसे असफल नहीं मानता हूँ। देखिए 3 दिन का आंदोलन था, हमारा एक्सपीरियंस है, मैं इससे पहले मुंबई के आंदोलन में रहा भी हूँ, कि पहले दिन कम लोग आते हैं, दूसरे दिन ज़्यादा बढ़ते हैं, आखिरी दिन ज़्यादा आते हैं। मगर क्योंकि उस दिन अन्ना के रामदेव ने आने का ऐलान कर दिया, तो एकदम उसका ऐलान कर दिया अनशन तोड़ने। अगर वो रात को 8 बजे ना होकर के सुबह 7 बजे क्या वजह थी, क्यों तोड़ दिया गया फिर, क्यों अनशन तोड़ा गया उसे, ये कोई दूसरे को क्रेडिट ना मिल जाए तो क्या उनको प्रेशराइज सफलता का नहीं अन्ना, हाँ अन्ना को, देखिए अन्ना की तबीयत तो खराब थी ही, सारे लोग कह ही रहे थे उनसे, मगर रात ऐसा नहीं था कि अगर रात गुजर जाती, कितने 8 बजे का वो था, सुबह 6 बजे तो 3 दिन पूरे हो जाते ना, मैं तीसरे दिन अनशन टूट जाता, तो क्या होता कि हमारी जो आने वाली भीड़ थी, जो लोग आए बाद में या जो आने चाहिए थे, वो ये मैसेज ना जाता, हमारे लोग मायूस ना होते। अच्छा कई सब, जैसे आप ये कह रहे हैं कि अन्ना जो है अपने कुछ सलाहकारों से जो घिरे हुए हैं, जो उनको बातें बताई जा रही हैं, वो इस तरह से प्रेजेंट की गई आपके खिलाफ, तो अन्ना ने ऐसी 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 बात कह दी, तो ऐसा तो नहीं आप बाहर, आपको जब आप आ गए तो इस तरह की बातें आप कहने लगे हैं कि वो उनके जो, आप इसे तो स्वयं देख सकते हैं, मेरे से ज्यादा अनुभवी है, आप प्रेस के आदमी हैं, आप देख सकते हैं कि चार लोगों के अलावा कोई मीडिया पे नजर आता था। मैं तो आज आपके निकल के आया हूँ, तो आज आपसे बात कर रहा हूँ, इससे पहले कभी आपने बात की हो तो मुझे बताइए, क्या कोर कमेटी में सिर्फ चार ही लोग हैं,
हमने प्रशांत भूषण से ये बात जब कही कि आप जो है, हमने कहा भाई हमें बताइए कि अगर कोई मैसेज गया है तो उस मैसेज का किसी एक के पास तो होगा, तो क्या इस बात को भी लेकर मलाल और आपस में मतभेद है कि हमारी पहचान नहीं बन रही है या हमारी आइडेंटिटी नहीं? हमने तो कभी कहा ही नहीं इस बात को, मैं तो आप कह रहा हूँ ये बात, हमने तो कभी पहचान हम चाहते नहीं, हम तो काम करना चाहते, हम तो बुनियाद का पत्थर, आज से हम 25 साल से काम कर रहे हैं। तो क्यों वो लोग आपको, आपके खिलाफ अन्ना को बता रहे हैं? अब वो क्योंकि मैं वहां से, जब उन्होंने मेरे ऊपर ये इल्जाम लगाया, आरोप लगाया कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं उनकी, मेरा स्वभाव ये नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैंने कभी झूठ नहीं बोला है, और ऐसा झूठ मैंने कभी नहीं बोला जो या तो किसी की जान बचाने के लिए या किसी की, मतलब कोई ऐसा जिससे जान जा रही हो, ऐसा सच नहीं बोलना चाहिए। तो ऐसा तो मैं नहीं कि किसी को मैं इतना सच बोल दूं कि किसी ने कहा आपको कि साहब आपको गाली दे रहा था, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि वो आकर के आपको गोली मार दे, ऐसा मैं ऐसे सच को तो मैं ये कहता हूं वो नहीं बोलना चाहिए, बाकी गैर जरूरी झूठ नहीं। प्रश्न यही है कि जब मैं कह रहा हूं मैंने किया नहीं, आपके खिलाफ भाई असल में ऐसा है ना कि ये महत्वाकांक्षी लोग, इन्होंने सोचा यार ऐसा है कि तू मेरा सहयोग जो है मुलायम सिंह के साथ फोटो, उसे भी इस परिपेक्ष में भी आप देख सकते हैं, इन्होंने सारे नेताओं को जो है चोर कहा, अन्ना पारदर्शिता की बात तो कर रहे थे, हिसाब की बात तो कर रहे थे, और हम भी ये कह रहे थे कि भाई जब हम दूसरों को चोर कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, मनीष सिसोदिया कह रहा है, मतलब इतने पुराने, एक एक रेस्पेक्ट की भी तो कोई लाइन होती है। शरद यादव जो जमीन से जुड़ा हुआ नेता है, मुलायम सिंह यादव जो जमीन से जुड़े हुए नेता, जिन्होंने समाजवाद की, मुझे हैरत हो गई कि मुलायम सिंह के साथ कोई आदमी नहीं था, मैंने जब स्वयं देखा तो मैं बहुत, मैं अगर आपसे ये कहूं, अब मैं प्रशंसा इसलिए कर रहा हूं कि मुलायम सिंह एक्स सुपर चीफ मिनिस्टर है यूपी के, बेटा तो चीफ मिनिस्टर, वो सुपर चीफ मिनिस्टर, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भावी प्रधानमंत्री हैं, वो आदमी उसके साथ एक उसका हेल्पर नहीं, उसका एक हेल्पर उसके साथ नहीं, तो ये क्या बड़ी बात नहीं? और मनीष सिसोदिया कह रहे हैं उन लोगों के चोर की दाढ़ी में तिनका, अच्छा हम टोकते थे ना, हम अंदर टोकते थे, असल बात ये, देखिए जब आप अपने चैनल में अगर आप कोई बात कहोगे, सच्ची बात कहोगे, तो फिर क्या होगा, वो ये समझते थे कि प्राइवेट लिमिटेड है हमें, आप क्या टोकते थे कि आप राजनीतिक पार्टियों के अगेंस्ट मत बोलिए इस बात पे, आपको आप इससे ज्यादा क्या उदाहरण हो सकता है कि 25 मार्च को हमारे सामने आके बैठ गए मनीष और अरविंद केजरीवाल मंच पे, जबकि सारा मंच खाली पड़ा हुआ था, उसकी लिपिंग उठा के देखिए आपके यहां होगा सारा लाइव आपने किया है, मैं और राकेश पीछे बैठे थे, राकेश रफी मुरादाबाद के हमारे साथी हैं, विशेष आमंत्रित सदस्य हैं वो, तो वो और हम दोनों बैठे थे हमारे आगे के आके बैठ गए, नहीं प्रश्न तो क्या ये चीजें ये क्या है, क्यों मतभेद था आकर आपस में, नेताओं के लिए आप नेताओं के पक्ष में बोलते थे तो वो मना करते थे, यही मैं पूछ रहा हूं, समन्वयवादी हूं जी, सर्वधर्म संभव में का आदमी हूं, सारे राष्ट्र को एक माला में देखना चाहता हूं, मैंने ये कहा है कि इस राष्ट्र के अंदर जो इनके साथ में, जो अन्ना को मैं साथ में अन्ना के हूं, कि अभी तक राष्ट्र में कोई राष्ट्रवादी सरकार स्थापित नहीं हुई जिससे राष्ट्र से सरोकार हो, तो मैंने ये सोचा था, सारी बात मैं मानता हूं आप समन्वय में कर सकते हैं, लेकिन ये कोर कमेटी में क्यों नहीं हो पाया, मैंने एक साल के बाद सारे काम मेरे खिलाफ, तो आप ही तो कह रहे हैं कि वो जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं, अरे उसमें जो कोर कमेटी के मेंबरों की जरा जीवनी तो उठा के देख लो आप जी, उनकी जीवनी उठा के देखिए, मेरे पास सबके नंबर हैं जी, अगर आपके पास ना हो तो ये ले लीजिए, इसे देखिए, इनकी बैकग्राउंड देखिए, जो लोग अच्छे लोग थे इन्होंने धीरे धीरे सबको अलग कर दिया। अब मेरा एक प्रश्न आपसे जी, आप ये बताइए कि ये मेरे लिए इतने उदारवादी हो गए, इतना सॉफ्ट कॉर्नर मेरे लिए हो गया कि स्वामी अग्निवेश का तो स्टिंग ऑपरेशन कर दिया और मेरी रिकॉर्डिंग को इन्होंने डिलीट कर दिया, वो सबूत क्यों, अरे इतना बड़ा सबूत इन्होंने डिलीट क्यों कर दिया? कारी साहब प्रश्न वही है, क्यों वो नाराज हैं आपसे, वो कोर कमेटी के लोग किस वजह से आपसे इतना दुराव रखते थे, यही प्रश्न है मेरा अभी भी, थोड़ा सा उनसे पूछिए कि उन्होंने मुझसे नाराज क्यों, आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लगता है, ऐसा क्या बहुत दिनों से, मुझे तो ये लगता है दरअसल ऐसा है कि मैं एक ऐसा आदमी हूं जो अन्ना के बाद, मैं ये दावा कर सकता हूं